गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक क्रिस्पी फ्राइड ऑनियन। आज मैं आपको दो तरीके से फ्राइड ऑनियन की रेसिपी बताऊंगी कि कैसे मैं दो तरीके से प्याज फ्राई करती हूँ। ये मैंने 4 प्याज ले ली हैं। प्याज हमारी काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, तकरीबन 1 kg के बराबर हैं ये। इनका मैंने छिलका उतार दिया है और इनको मैंने वॉश भी कर लिया है। अब मैं प्याज लूँगी और इसके दरमियान से ये येलो पार्ट जो नज़र आ रहा है इसको मैं निकाल दूँगी। ये थोड़ा कड़वा होता है इसलिए हम इसको निकाल देंगे। और प्याज को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। प्याज को एक साइज़ में काटना है और बारीक काटना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं काटना है। इसी तरह से मैं सारी प्याज़ों को काट लूँगी बारीक बारीक। फ्राइड ऑनियन को मैं हलीम, बिरयानी, दम का गोश्त और पाई में इस्तेमाल करती हूँ और गार्निशिंग के लिए भी मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। ऑनियन को मैं पहले से फ्राई करके रख लेती हूँ जिसकी वजह से मेरी टाइम की भी बचत हो जाती है और मेरा काम भी आसान हो जाता है। स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो कुकिंग बहुत ही कुकिंग ईजी हो जाती है। अगर फ्राई की प्याज हों तो सालन बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है, इसलिए इसको पहले फ्राई करके रख लें तो ये बहुत ही अच्छा होता है और काम भी बहुत ही आसान हो जाता है। मैं इसको हमेशा पहले फ्राई करके रखती हूँ ताकि मुझे कोई मुश्किल ना हो खाना बनाने में ना। अब मैंने सारी प्याज़ों को काट लिया है। अब इसको हाथ से अलग कर देंगे ताकि जुड़ी हुई ना हो, ये सेपरेट हो जाए। एक एक करके सारी प्याज़ों को हम अलग कर देंगे। ये अलग सेपरेट होंगी तो ये फ्राई भी बहुत अच्छी होंगी, इसलिए हम हाथ से इसको अच्छी तरह से अलग करेंगे एक दूसरे से ना। अब मैं फ्राई पैन लूँगी और प्याज इसमें डाल दूँगी। ये मैंने बड़ा फ्राई पैन लिया है ताकि अच्छे से हम इसमें ऑयल भी डाल सकें, इसलिए थोड़ा सा पैन हमारा बड़ा हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये यहाँ पर मैं हाथ से सेपरेट कर दूंगी, जो कि थोड़ी बहुत रह गई थी उनको भी मैं अलग कर दूंगी हाथ से ना अच्छी तरह से। अब मैं फ्लेम को ऑन करूंगी और हीट को तेज़ रखूंगी, और तेज़ हीट होने की वजह से प्याज़ों का पानी ड्राई हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ रखूंगी इसको पहले, बाद में इसको मैं स्लो करूंगी। अब मैं इन प्याज़ों में ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मस्ट प्याज में ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए, वरना हमारी ना प्याज अच्छे से फ्राई नहीं होगी, इसलिए थोड़ा ऑयल की क्वान्टिटी ज़्यादा ही रखनी है प्याज़ों में ना, तो फिर हमारी अच्छे से फ्राई होंगी ये। यहाँ पर मैंने प्याज़ों को स्पून से हिलाकर चेक किया, ये देखें, और मुझे लगा थोड़ा और ऑयल चाहिए तो प्याज़ों को, तो मैं थोड़ा और ऑयल ऐड कर दूंगी इसमें। और फ्लेम को मैंने पहले तेज़ रखा है ताकि प्याज का पानी ड्राई हो जाए, और 5 मिनट के बाद स्लो हीट पर इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। ये स्लो हीट पर बनेगी और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी बनेगी। ये यहाँ पर प्याज़ों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसको स्पून से हिलाते रहेंगे। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है स्लो हीट पर जब हम प्याज फ्राई करते हैं, बट बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होती हैं। और जब कलर चेंज हो रहा हो तब चम्मच हिलाते रहना, इससे सारी प्याज एक जैसी फ्राई होंगी। तब हमने मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि ये कलर इनका इक्वल हो, एक जैसा हो। अब हमारी प्याज़ों का गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, अब हम निकाल लेते हैं इनको। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक प्लेट में हम किचन पेपर रख लेंगे।
और हम प्याजों को निकाल लेंगे प्लेट में। और हाथ से हम थोड़ा सा इनको अलग करेंगे और अब हम इनको फैला देंगे। हमारे प्याज़ों का कलर कितना अच्छा आया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हैं। और जब मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं गेस्ट ज़्यादा आए हों और बिजी हों, कुकिंग ज़्यादा करनी हो और हमें क्रिस्पी प्याज भी चाहिए होती हैं, तो तब मैं इस तरह से इनको बना लेती हूँ स्लो हीट पर। मेरी टाइम की भी बचत हो जाती है और मेरी क्रिस्पी फ्राइड ओनियन भी तैयार हो जाती हैं। अब दूसरे तरीके में मैं उसी ऑयल को पहले गर्म कर लूँगी। फ्लेम को हम ऑन करेंगे और ऑयल गरम करेंगे इसमें। और अब मैं ऑयल गरम होने पर प्याजों को ऑयल में डाल दूंगी। स्पून से प्याजों को मैं सेट भी करूंगी। सेकेंड तरीके में फ्लेम को फुल रखना है और स्पून से हिलाते रहना है, क्योंकि फ्लेम तेज़ है तो प्याज़ों का ध्यान भी रखना है। तेज़ फ्लेम पर जलने का भी ख़तरा होता है, इसलिए इनका मुसलसल शुरू से ही थोड़ा ही टाइम के लिए छोड़ देना है, प्याज़ों का पानी ड्राई हो, उसके बाद मुसलसल इसका ध्यान रखना है। हमारी प्याजों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर प्याज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि ये एकदम से इनका कलर चेंज हो जाता है, तो इसको हम लगातार से चलाते रहेंगे। मुझे थोड़ी सी डार्क ब्राउन चाहिए, तो मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी। हमारी प्याजों का गोल्डन ब्राउन बहुत खूबसूरत प्यारा सा कलर हो गया। अब हम प्याजों को किचन पेपर पर निकाल लेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, निकालते निकालते ब्राउन कलर हो गया है, इसलिए थोड़ा हल्का गोल्डन होना शुरू हो तो फौरन निकाल लेंगे, क्योंकि ये ऑयल गर्म होता है तो ये अपने उसमें हीट में ही ये और ज़्यादा ब्राउन हो जाती है, इसलिए हम इसको फौरन निकालने की कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा डार्क काली ना हो जाए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों तरीके से हमारी प्याज फ्राई हो चुकी हैं, एक लाइट गोल्डन कलर में है और दूसरी डार्क ब्राउन में है। मुझे दोनों ही कलर चाहिए थे, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई की हुई प्याज भी चाहिए थी, थोड़ी कम फ्राई की हुई भी प्याज चाहिए थी, तो मैंने उसी तरह से इनको बनाया। ये मेरे दोनों तरीके हैं, मैं इनको इसी तरह से ही बनाती हूँ, तो ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती हैं, तो आप इनको ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती हैं ये। और जो डार्क ब्राउन प्याज हैं उनको मैंने तेज़ हीट पर फ्राई किया था, बहुत अच्छी क्रिस्पी प्याज फ्राई हुई हैं। दोनों तरीके से आप प्याज फ्राई करके रख सकते हैं, इससे टाइम की बचत भी होती है और काम भी आसान हो जाता है हमारा। ये लाइट ब्राउन कलर की प्याजों को मैंने स्लो हीट पर फ्राई किया था। अब हम इनको स्टोर करने के लिए जिपलॉक बैग ले लेंगे और इसमें डालकर रख देंगे। इनको हम आराम से 4-5 मंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।